two, three, funk it. My darling, I love you, 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 I love you. Watching me first time, then I am Shikha. Today I am going to share with you my makeup which I bought from Purple. बहुत ही ज़्यादा मैं excited हूँ share करने के लिए because बहुत सारा मैंने मंगवाया first time. मे बी ये आप लोगों के लिए ना हो बट मेरे लिए है क्योंकि मैंने इतना सारा मेकअप पहली बार इतना सारा एक बार में मंगवाया है. सो आई एम एक्साइटेड टू शेयर विथ यू. और इसका मैंने शॉर्ट वीडियोस ऑलरेडी डाल दिया था और मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी एज आई सेड कि मैं अपने सारे इंस्टाग्राम पे इंफॉर्मेशन देती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा आने वाला है और कैसे आने वाला है. तो यस, मैं इसमें अनबॉक्सिंग भी करूँगी और मैं इसकी रिव्यूज़ भी दूँगी और मैं बताऊँगी कि कितने रुपये में मैंने कौन सा आइटम लिया है. तो ये सारे मैंने पर्पल से मंगवाए हैं. तो ये मुझे पहले ही रिसीव हो गया था और ये मुझे बड़ा वाला बाद में रिसीव हुआ. फर्स्ट परचेज में मुझे 100 rupees ऑफ मिला है उनका कूपन कोड यूज़ करने के बाद. ए बी फर्स्ट करके उनका कूपन कोड है, आप भी यूज़ कर सकते हो अगर आप फर्स्ट टाइम परचेस कर रहे हो तो. और ये सारी चीज़ें मैंने वन टाइम में ऐड टू कार्ट किया था. मैं इसका सारा प्राइस कितना हुआ था मैं बाद में बता दूँगी, मुझे वन बाई वन याद नहीं है. और बाकी मुझे सारे आइटम्स ऑफ में मिले हैं. जैसे किसी का रियल प्राइस अगर 199 है तो मुझे 145 या उससे थोड़ा सा ज़्यादा 160 में ही मिल गया है. 20-30 rupees का ऑफ मुझे मिला है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मैं फर्स्ट बॉक्स से स्टार्ट करती हूँ जो मुझे फर्स्ट रिसीव हो गया था छोटा वाला. इसमें मुझे 2 items रिसीव हुए हैं. पूरे मिला के मैंने 15 items ऑर्डर किए थे, जिसमें से कुछ फ्री भी मिले हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी. तो इस टाइप के बबल रैपिंग में आया था. तो ये है NY का प्राइमर. सी गाइस, ये है प्राइमर. प्राइमर क्यों यूज़ करना चाहिए गाइस? बिकॉज प्राइमर क्लोज अवर ओपन पोर्स, जो भी हमारे ओपन पोर्स होते हैं उनको क्लोज करता है. इट मेक्स अवर स्किन सो मच स्मूथ, इट्स मेक अवर स्किन स्मूथ, मतलब अपने हमारे स्किन को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनाता है. और फिर जब हम कुछ भी लगाते हैं ना अपने फेस पे फाउंडेशन या और क्रीम, इट्स मेक इट फ्लॉलेस, वो बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई प्राइमर बिफोर योर मेकअप. सो प्लीज़ ट्राई टू परचेस एनी प्राइमर. ये बहुत अफोर्डेबल है, बहुत ही कम प्राइस में है. और इसका प्राइस मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन ये 120 समथिंग अराउंड में है. बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्राइमर है. अभी मैंने इसको लगाया तो नहीं है बट आई विल शेयर विथ यू इन माई मेकअप वीडियोज़. तो फर्स्ट मुझे ये मिला है और मैंने एज है मैंने कहा इसमें 2 items मुझे मिले थे. और सेकेंड मैंने ये NY का काजल मंगवाया है ब्लैक कलर का. मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे काजल है, मेबेलिन का है, लैक्मी का है, लॉरिया का भी काजल मेरे पास है और ADS करके कोई होता है वो भी मेरे पास काजल. ये मेरे पास 6th-5th काजल है, इतने सारे काजल हो गए भाई. तो मैं ऐसे दिखा देती हूँ. तो इस टाइप की इसकी कुछ पैकेजिंग है. सी गाइस, इस टाइप की NY इसमें लिखा है. और मैं थोड़ा सा आपको समझ करके अपने हाथ में लगाती हूँ. इसमें कितनी ज़्यादा क्वांटिटी दी मैं आपको दिखा देती हूँ. सी गाइस, इतनी सारा दिए भी और निकलेगा, मैं निकाल ही रही हूँ कि डर लग रहा है टूट ना जाए. तो मैं इसको थोड़ा सा समझ करके दिखाती हूँ. सी गाइस, कितना ज़्यादा जट ब्लैक है और कितना ज़्यादा पतला इसका लिड है. तो आप आराम से इसे आई लुक भी क्रिएट कर सकते हो. काजल से कैसे स्मोकी आइज़ करते हैं इसका मैं जल्दी की वीडियो लाऊंगी. और इसको ऐसा काजल भी आप अप्लाई कर सकते हो. और आज मैंने कोई भी मेकअप नहीं किया है, सिर्फ मैंने एक लिप बाम टाइप लगा के मैं बैठी हूँ. तो ये मैं पहले आपको बता देती हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. अब चलते हैं हमारे बड़े बॉक्स की तरफ जिसको मैंने पहले ही अनपैक कर लिया था. तो सी गाइस, इसमें इतने सारे आइटम्स हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाए हैं. तो सबसे पहले मैं ये बड़ा वाला निकाल देती हूँ वरना ये बॉक्स टूट जाएगा. तो ये वाला मुझे फ्री मिला है. ये सैनिटाइज़र है, एक गुड वाइब्स का है और हैंड सैनिटाइज़र अल्कोहल. इसमें बहुत ये मैंने ऑलरेडी यूज़ किया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है गाइस. तो ये मुझे फ्री में मिला है और मैं फ्री के आइटम्स पहले दिखा देती हूँ आपको. और मुझे कुछ पाउचेस मिले हैं शैम्पू के फॉर टेस्टिंग. तो यहाँ पे मुझे 3 मिले हैं, देख सकते हो 3 शैम्पूज़ हैं. पहला हेयर क्या बोलते हैं ऑल हेयर टाइप्स के लिए है, दूसरा शैम्पू फॉर ड्राई हेयर्स और ये ऑयली स्कैल्प. ये तीसरा वाला ऑयली स्कैल्प और ड्राई और ये ऑल टाइप के लिए है. मुझे 3 मिले हैं फॉर टेस्टिंग. अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं इनसे और ऐसा वाला परचेस कर सकती हूँ, मतलब इनका फुल बॉटल. तो ये भी मुझे सेकेंड मिला है. और थर्ड मुझे लिपस्टिक मिली है फ्री में NY की. क्रेयॉन मिला है मुझे, लिप क्रेयॉन फ्री. और ये मुझे चूज़ नहीं करना था, उन्होंने अपने मन से दिया. ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया. मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझ करके दिखा देती हूँ. सॉरी, ये देखिए इसका शेड कितना ज़्यादा अच्छा है. तो ये भी मुझे फ्री में मिला है. तो ये 3 चीज़ मुझे फ्री में मिली है और इसका प्राइस 115 rupees समथिंग है. तो ये सारी चीज़ें हो गई. फिर मैंने मंगवाया है फाउंडेशन फिटमी का.
पर इसका इसमें मेरा शेड है 125 वॉर्म म्यूड है मेरा, और इसको मैं खोल के दिखा देती हूँ आपको। तो इस टाइप का कुछ अंदर है, मैंने इसको खोला ही नहीं है, कि जैसा आया है वैसे ही रखा है। और शीशा मुझे ऐसे जो इसमें का मिरर है वो निकला हुआ मिला है, टूटा नहीं है बस निकल गया है, तो मुझे इसको चिपकाना पड़ेगा। तो ये मिरर है, और इसमें मुझे कुछ स्पॉन्ज मिला है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का है, बहुत मोटा है। और यहाँ पे मेरा यहाँ पे एक वाइट सा शीट दिया है पतला सा, और ये रहा। तो मैंने फिटमी का मंगवाया है जो मुझे बहुत कम प्राइस में मिला है। यही होता है अगर आप ऑनलाइन लो ना, तो सारी चीज़ें जो आपको लोकल स्टोर में मतलब रियल प्राइस में मिलेगी उससे कम प्राइस में मिलेगी। थर्ड मैंने मंगवाया है प्राइमर, ये इनसाइड का प्राइमर है, बहुत ही ज़्यादा इनसाइड की जो भी चीज़ें होती ना। और ये प्राइमर के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुना है, बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं, देखा है मैंने, तभी ये मैंने मंगवाया है। और प्राइमर किस लिए यूज़ करते हैं, एज आई ऑलरेडी सेड दैट ये बजट फ्रेंडली भी, आपके बजट में ऑफकोर्स आएगा। 250 रुपीज़ समथिंग है, येस 250 रुपीज़ इसका प्राइस है। ये मुझे 230-220 रुपीज़ में रिसीव हुआ होगा। तो ये है प्राइमर इनसाइड का, आपके ओपन पोर्स को क्लोज करता है प्राइमर, एंड आपके स्किन को फ्लॉलेस बनाता है, स्मूथ भी बनाता है। तो फिर ये बायोटेक का मैंने मंगवाया है, बायो फ्रूट का वाइटनिंग डी पिगमेंटेशन एंड टैन रिमूवल फेस मास्क मैंने मंगवाया है। ये फेस मास्क मैं आपसे जल्दी ही शेयर करूँगी, मैंने इसको खोला नहीं है, सील है अभी। तो ये मैंने मंगवाया है, और मैं इसमें से एक चीज़ से बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और मैं इसको रिटर्न भी नहीं कर पाई। मैंने इसको रख लिया क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा लेस है। मैंने मंगवाया था SQ का फाउंडेशन, और आप देख सकते हो ये मेरे बिल्कुल भी शेड का नहीं है, बिल्कुल भी मेरे शेड का मैच नहीं करता है। इवन ये बहुत ही ज़्यादा वाटर फॉर्म में, बहुत ही ज़्यादा इतना थिन है ना, आई कॉन्ट टेल यू। और थोड़ा शेक कर लेती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें पानी ही भर के दिए हैं। सी मैं ऊपर से गिरा रही हूँ, मैं भी आप देख सकते हो, सी मैंने एक पंप गिराया है इसमें, और सी ये बिल्कुल भी मेरे शेड का नहीं है गाइस। एक फाउंडेशन है जो मेरे शेड का नहीं है, मैं उसमें मिक्स करके ट्राई करूँगी लगाने का। मैंने इसको वापस तो नहीं किया, ये बहुत ही कम प्राइस में मुझे मिल गया था। इसकी पैकेजिंग वगैरह देख के मैं इसकी फ़ैन हो गई कि चलो मंगवा लेते हैं SQ का, एक बार ट्राई करते हैं। स्टे क्वर्की लिक्विड फाउंडेशन एंड ब्ला ब्ला, इसमें विटामिन सी वगैरह लिखा है, बट इट्स नॉट नाइस, इट्स नॉट ऑन माय शेड। जो मैंने ऑर्डर किया था वो शेड में नहीं है ये, तो ये थोड़ी सी मैं डिसअपॉइंटेड हूँ इससे, बट मैंने इसको रख लिया है। मेरे पास लैक्मे का एक लाइट शेड का फाउंडेशन है जो मेरे शेड से बिल्कुल मैच नहीं करता है, तो मैं उसमें मिला के कोशिश करूँगी इसको यूज़ करने का, क्योंकि इसको रिटर्न तो करना नहीं और पैसा भी वेस्ट नहीं करना है। और नेक्स्ट मैंने मंगवाया है ग्रीन टी गुड वाइब्स का टोनर, जो ग्रीन टी का है, ये मैंने ऑलरेडी यूज़ कर रखा है, और इससे बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील होता है गाइस। तो टोनर आप ही लोग, बहुत ही ज़्यादा सस्ता मिलता है ये, 205 रुपीज़ दिया, लेकिन मुझे 150 रुपीज़ में ही रिसीव हो गया था, मतलब मिल गया था। अभी ऑफर चल रहा है गाइस पर्पल में, अगर आप लोग को ऑर्डर करें तो आप भी कर लो, बहुत ही कम रेट में आपको मिल जाएगा। अगर आप 500 के ऊपर परचेस करते हो तो आपको एक लिपस्टिक भी फ्री मिलेगी, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और इसमें से ना वो T3 वाला स्मेल भी आता है, और अपने आँख और लिप्स को बचा के, कल मैं जल्दी जल्दी एक्साइटमेंट में मेरे आँख में लग गया था और थोड़ी सी जलन हो रही थी, आँख में चला गया तो फिर डेंजर हो सकता है। फिर मैंने मंगवाया है NY का ये आईलाइनर मंगवाया है मैंने, इतना छोटा है ना, 65 रुपीज़ का है ये, जेट ब्लैक है। इसको भी मैं आपको थोड़ा स्वच्छ करके दिखा देती हूँ अपने हाथ पे। सी गई इसका निडल कितना थिन है, सी गई बहुत ही ज़्यादा आराम से इसे विंग लाइनर ड्रॉ कर सकते हो। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ, सी गई इतना ज़्यादा पतला और इतना जेट ब्लैक है, सो आई लाइक इट। और इसमें और भी कलर्स अवेलेबल मे भी होंगे, मैंने ज़्यादा खोजा नहीं, मुझे बस एक ब्लैक चाहिए तो मैंने ले लिया। और इसके बाद मैंने मंगवाया है ये भी NY का फाउंडेशन कंसीलर कॉन्टोर कलर करेक्शन स्टिक है, सारे मतलब सब एक ही में है। और इसमें मेरा शेड है टॉफी के बाद NYBFCS कुछ लिखा है 6, तो ये मेरा शेड है मैंने मंगवाया है। ये मैंने कॉन्टोर के लिए मेन पर्पज़ मेरा कॉन्टोर के लिए है, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। तो सी गाइस ये अंदर से कुछ इस टाइप का दिखता है, पैकेजिंग तो बहुत ही ज़्यादा ऑसम है, बहुत अच्छी लग रही है, और मैंने उल्टा खोल दिया। तो ये इसका कैप है, और इसमें इतना दिया है, और ये 65-85 रुपीज़ का समथिंग है। इसमें मैंने ये शेड मंगवाया है, इसको भी मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाती हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैंने इससे हमें मंगवाया है कॉन्टोर करने के लिए, मैंने ज़्यादा डार्क नहीं मंगवाया। मैंने मंगवाया है स्विस ब्यूटी का फिक्सर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है गाइज़ ये फिक्सर, ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी यूज़ करते हैं और इसके बारे में रिकमेंड भी करते हैं, जो मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं, जो बिगनर्स हैं, तो इसलिए मैंने ये भी इंक्लूड कर लिया अपने परचेज में। तो मुझे एक अच्छा फिक्सर चाहिए था, मेकअप फिक्सर, तो फाइनली मैंने ये ले लिया है। कितनी ज़्यादा सॉलिड, कितनी अच्छी लग रही है ब्लैक, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और ऊपर से बॉक्स कुछ इस टाइप का दिखता है, और इसका प्राइस है,
इसका प्राइस कहीं लिखा नहीं है बट मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली मैंने कितने रुपीज़ में मुझे मिला है, बट ये हाँ इसमें 250 रुपीज़ लिखा है और मुझे 220-230 रुपीज़ में मिल गया होगा। और पेप्सी की तरह इसका स्मेल है, अल्कोहल, इसमें थोड़ी सी पेप्सी की तरह स्मेल आ रही है। एज अदर्स सॉरी अदर यूट्यूबर्स ने भी बताया था कि इसका पेप्सी या अल्कोहल की तरह स्ट्रॉन्ग इसका फ्रेग्रेंस है, तो देखते हैं अप्लाई करने के बाद, अभी मैं नहीं बता सकती। और ये मैंने मंगवाया है, ये 45 या 50 रुपीज़ का ब्राउन कलर का आईब्रो पेंसिल है। मैं इसको थोड़ा सा अपने हाथ में आपको करके दिखाती हूँ। सी गाइस ये है ब्राउन कलर, ब्राउन ऑलरेडी है, मैंने सोचा एक बार इनसे भी मंगवा के देखते हैं, मतलब ऑनलाइन खरीद के देखते हैं, वो मैंने ऑफलाइन लिया था। फिर मैंने ये मंगवाया है पॉन्ड्स, तो फिर ये मैंने पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर मंगवाया है, इसमें नाम ही नहीं लिखा है। इसमें मॉइस्चराइजर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें लिखा है हाइलोक्रोनिक एसिड प्लस विटामिन ई का है, नॉन स्टिकी ग्लोइंग स्किन लिखा है, और ये फुल पैक है सी गाइस, अभी मैंने इसको ओपन भी नहीं किया है। तो ये मैंने मंगवाया है, इसकी प्राइस है, इसका प्राइस नहीं लिखा है, नहीं नहीं इसका प्राइस 150 रुपीज़ है। मुझे कुछ चीज़ों में ऑफ नहीं मिला है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है वो कौन सी चीज़ें जिसमें मुझे ऑफ नहीं मिला है, बाकी थोड़े में मिला था। और फिर यहाँ पे मेरे पास है बायोटेक का बायो मॉर्निंग नेक्टर विजिबल फ्लॉलेस स्किन मॉइस्चराइजर, तो ये मॉइस्चराइजर है बायो का, बायोटेक का, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत सुना है। और इसकी स्मेल गई थी, इसको भी मैंने लगाया है, मैंने टोनर और ये कल मैंने यही अपने नहाने के बाद अप्लाई किया था, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में मिलती है। अभी ये बहुत छोटा है गाइज, आप ये मत समझना कि बहुत बड़ा बॉक्स है, नहीं। क्या होता है ना, यूट्यूबर्स भी ऐसे करके दिखा देते, तो मुझे लगता था बहुत बड़ा बॉटल मिलेगा, लेकिन ये इतना है, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी है। और कुछ नहीं करना है इसमें, ऑलरेडी मुझे लगा ये निकालना है, बट इसमें ऑलरेडी आप जैसे इसको थोड़ा सा यहाँ से प्रेस करोगे ना तो निकलेगा। मैं थोड़ा सा निकाल के आपको लगा के दिखा देती हूँ। सी गाइज बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, और इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा। कुछ लोगों को मे बी ये स्मेल अच्छी ना लगे क्योंकि थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है इसकी फ्रेग्रेंस, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लास्ट मेरे पास है फिटमी का फाउंडेशन, जो कि मेरे शेड में थोड़ा सा लाइट है मेरे शेड से, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर अप्लाई करके दिखाती हूँ। आई थिंक ये मेरे शेड में परफेक्ट है। हाँ गाइज, ये मेरे शेड से तो मैच कर रहा है, और इसमें मेरा शेड है 301 फाउंड, तो इसमें मेरा शेड 301 है। सी गाइज ये मेरे शेड में है, चलो ठीक है। मुझे कल जब मैंने इसको ओपन किया तो मुझे लगा मेरे शेड में नहीं है, बट अभी मैंने ट्राई करके दिखा तो ये मेरे शेड में है। तो ये सारी चीज़ें मैंने मंगवाई है गाइज पर्पल से, और भी मुझे कुछ चीज़ें मंगवानी हैं, वो मैं जल्दी ही मंगवाऊँगी, अभी नहीं मंगवाऊँगी, उसके लिए मुझे 1-2 मंथ का टाइम चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इतनी सारी शॉपिंग कर ली है। और बस गाइज ये सारी मैंने शॉप की हैं, उसमें से जो ऑफ मिले एज ऑलरेडी आई टोल्ड यू। सो बाय गाइस, होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो में कौन सा मेकअप लुक बनाओ, इंडियन बनाओ, वेस्टर्न बनाओ, नॉर्मल बनाओ, या थोड़ा सा बोल्ड आइज लुक बनाओ, तो प्लीज़ कमेंट करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय।